चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में। कल का मार्केट के लिए हम एनालिसिस करेंगे कमोडिटी मार्केट के लिए। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर होगा कि हम किसी भी इक्विटी या कमोडिटी या स्टॉक के बाई सेल के लिए सलाह नहीं देते हैं। ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। आगे आप देखेंगे कल मंडे के सेशन में क्रूड ऑयल का किस तरीके से लेवल निकल करके आया है। उससे पहले अगर आपको याद होगा फ्राइडे के सेशन में, मीन्स परसों का सेशन जो 8 सितंबर 2017 का जो सेशन था, उसमें हमने क्रूड ऑयल को सेल और बाई का जो लेवल दिया था उसमें क्लियर था कि 3130 के नीचे अगर क्रूड ऑयल फिसलता है तो टारगेट जो होगा, पहला टारगेट 3090 और 3100 के टारगेट के लिए आप क्रूड को सेल कर सकते हैं। तो 40 से 50 पॉइंट क्रूड को मैंने लेवल के बेसिस पे एनालिसिस करके सेल के लिए हमने सजेस्ट किया था। और मैक्सिमम एक्सटेंडेड टारगेट 3060 का था, जो कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कमोडिटी ट्रेंड एनालिसिस में 7 सितंबर के बेसिस पे 8 सितंबर का जो लेवल निकल करके आया था वो आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं। दोबारा से उस लेवल को हम निकाल के दिखा सकते हैं और किस तरीके से क्रूड में 80 से 90 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप अच्छा खासा प्रॉफिट, अगर आपने उस बेसिस पे काम किया है तो 100% आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं 3157 के ऊपर बाई करना था, टारगेट था 3199 और 3240, और सेल करना था हमें 3130 के नीचे, टारगेट था 3087 और 3045 और मैक्सिमम टारगेट था 3036। ऑलमोस्ट सारे टारगेट अचीव हुए हैं सेल साइड में। तो आप देख रहे हैं हमारी जो सॉफ्टवेयर की एनालिसिस है, लेवल एनालिसिस है, 100% एक्यूरेसी के साथ में काम कर रहा है। फिर भी 100% कुछ नहीं होता है, 95% भी एक्यूरेसी अगर आती है लेवल एनालिसिस पे तब भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं। और 70% भी अगर आप इस पे काम करते हैं, अगर 70% भी टारगेट अचीव होने का चांसेस रहता है तो आप समझिए अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। 70% मीन्स वीक में 5 डेज होता है। अगर 3 दिन भी आपकी टारगेट अचीव होता है और 2 दिन स्टॉप लॉस भी कटता है तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है 1 दिन में और 2 दिन में अगर स्टॉप लॉस 50-50 पॉइंट करके अगर हमने 3 दिन में 40-120 पॉइंट कमाते हैं और 2 दिन में 20-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाते हैं तो ऑलमोस्ट हम पूरे हफ्ते में प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो इस तरीके से आप हमारे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल के बेसिस पे भी अगर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो इसके बेसिस पे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। इसलिए मेरा एक आप लोगों से निवेदन होगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक बहुत ही कम लोगों का आता है तो इसलिए आप लाइक जरूर करें। अगर आपको वीडियो नहीं लगता तो डिसलाइक करें, कॉमेंट के साथ डिसलाइक और लाइक करें। तो ये रहा हमारा जो ओवरव्यू था मार्केट फ्राइडे के सेशन में किस तरीके से मार्केट बिहेव किया है। लेकिन हम इस हफ्ते में और मंडे के लिए कल का क्या लेवल निकल करके आया है, किस लेवल पे हम क्रूड को बाई या सेल कर सकते हैं उसकी हम एनालिसिस करेंगे। उसकी एनालिसिस जो होगी फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पर। तो फ्राइडे के सेशन में जो क्लोज किया है क्रूड ऑयल उसके बेसिस पे तीन हज़ार पैंतालीस पे ही क्लोज किया है इसने। तो 3045 के बेसिस पे जो क्रूड का बाई और सेल लेवल निकला है वो निकला है हमारा 3060 के ऊपर। अगर सस्टेन करता है तो आपको बाई करना है 3100 का टारगेट के लिए। 3100 का टारगेट के लिए 3060 के ऊपर बाई बनता है और 3030 के नीचे शॉर्ट बनता है, टारगेट होगा 2990 के लिए। तो इस तरीके से 2990 के टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हैं। दोबारा से या पुराना कोई सेल पोजीशन होल्ड है आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन 3030 के नीचे जाता है तो, या अगर आपका शॉर्ट पोजीशन अगर है ऑलरेडी तो 3060 के बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और 3060 के पास आप स्टॉप लॉस काट के
आप 3100 का टारगेट के लिए बाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रूड का जो कल का लेवल एनालिसिस है ये हमारा इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आया। अब हम देखते हैं सिल्वर की क्या लेवल निकल कर गया है। सिल्वर का जो लेवल निकल कर गया 41,650 के ऊपर बाई करना टारगेट होगा 41,944 और 42,000 का टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं, और सेल करना है 41,536 के नीचे या 500 के नीचे टारगेट होगा 41,380 और 41,230 और 41,200। तो इस तरीके से सिल्वर का भी हमने लेवल एनालिसिस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और इस सॉफ्टवेयर को अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। इक्विटी और कमोडिटी दोनों की एनालिसिस लेवल निकाल करके, प्लस और इक्विटी में बहुत सारे फीचर्स भी हैं। तो इस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को अगर यूज करना है तो हमारे मोबाइल नंबर पे और व्हाट्सएप पे या ईमेल और हमारे वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।